देखिए, किसी भी जॉब का फाइनल स्टेज जो होता है वो होता है उसका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, फाइनली आपने चाहे रिटन में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, रैंक आपकी आई हो, कुछ भी आई हो, व्हाटएवर, लेकिन उसके बाद जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू में भी जितने भी आपको कैंडिडेट वहाँ पर नज़र आएंगे, उनमें से कुछ ही कैंडिडेट का वहाँ पर सिलेक्शन होता है। उनमें से अगर आप लोगों का भी सिलेक्शन होता है तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी होती है, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात होती है। बट अगर आप उस इंटरव्यू से बाहर हो जाते हो, तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है कि आपके अंदर वो कौन सी कमी थी, या बाकियों के अंदर वो चीज़ें नहीं थी, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें क्या देखी गई इंटरव्यू रूम है उसमें? तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, अगर नहीं की है तो आज इन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो चार पॉइंट ऐसे कौन से हैं जिनकी वजह से हम किसी भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। हम उन चार चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको ऐवी सोचते हैं और उन चार चीज़ों को हम कंपेयर कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो रिटन परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ आप इतनी मेहनत करके, दो तीन साल का आपने मेहनत की, फिर उसको एग्ज़ाम को दिया, फिर उसको क्रैक किया, फिर एक रैंकिंग में बनने के लिए आपने पूरी दिन रात आपने एक कर दी, उसके बाद जब फाइनली स्टेज आप इंटरव्यू तक पहुँचे, वहाँ जाकर के आपको क्या मिलता है? रिजेक्शन। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंजिंग है अपने आप को कि वो कमियाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चार कमी आपको पता लग गई तो डेफिनेटली किसी भी इंटरव्यू में आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर किसी भी इंटरव्यू में आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपनी तैयारी में हैं और आप ये नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद में सिर्फ एक इंटरव्यू की वजह से और उन चार कमियों की वजह से आपको बाहर निकाला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कमी आती है वो आती है कॉन्फिडेंस की। तो एक कॉन्फिडेंस सबसे पहला रीज़न बनता है हमारे किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्शन का। अब अगर हमारे अंदर, देखिए, एक तो होता है फेस से भी कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपका फेस ऐसा डरा डरा नहीं रहना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को कभी भी किसी से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि जब भी आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको अपने अंदर जो कमी नहीं है वो भी दिखाई देने लगती है, और इससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कॉन्फिडेंस लाना। अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस एक लेवल तक ले जाना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको, अब कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से भाई? कॉन्फिडेंस आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन से। अगर आपके माइंड में हर एक चीज़ को लेकर के एक सही इन्फॉर्मेशन है, सही अवेयरनेस है, तो अपने आप ही चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंस रहोगे। कॉन्फिडेंस हम जब नहीं हो पाते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर जॉब इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन के बहुत बहुत सारे ऐसे रीज़न देखेंगे, उनमें से एक रीज़न था कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो भाई बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, उनको देखो और अपनी जो कमियां हैं अंदर से उनको निकालो और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी की वजह से भी आपको रिजेक्शन मिलता है। यू नो दैट हम किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये क्यों दिखाते हैं कि हम इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? तो अपने अंदर जो कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको ख़त्म कर दो। अगर आपको इंटरव्यू में किसी भी एवरीथिंग, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंटरव्यू, अगर आप उसका सिलेक्शन चाहते हो तो। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी तभी बनेगी जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस इंटरव्यू, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है, जिस फील्ड से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है, उसकी आप में समझ है और आप में एक बोलने का तरीका है, आपने बैठने उठने का तरीका है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो गैप होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजंस बनता है हमारे रिजेक्शन का। फिर तीसरा पॉइंट है एरियाज अंडरस्टैंडिंग या फील्ड अंडरस्टैंडिंग, या किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, उस क्षेत्र की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। यू नो दैट आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जिस भी फील्ड के लिए, जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना, आप में समझ होनी चाहिए। आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप में उस कंपनी की समझ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, और अगर मुझे इसमें जॉब मिलेगी तो मेरे बहुत ज़्यादा इसके प्रति जो आइडियाज़ हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाऊँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी कमी की वजह से रिजेक्शन होते हैं, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वहाँ पर आप सिलेक्शन चाहते हो, तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको
होनी चाहिए, आपने वो चीज़ें करके देखी होनी चाहिए, आपको उनकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो थियोरेटिकल है, चाहे वो नॉर्मली किसी लेबोरेटरी में आपने कहीं काम किया है, नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उस फील्ड की होनी चाहिए। तो ये चार पॉइंट ऐसे थे जिनकी वजह से ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन मिलते हैं, हम इन चार पॉइंट को नोट आउट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बार बार जितनी बार भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो यही कमी घूम फिर कर सामने आती है, यही कमी रिजेक्शन का कारण बनती है। आई होप सो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन चार जो पॉइंट हैं इन पर काम करेंगे, और डेफिनेटली किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे और ये चार पॉइंट आपको याद रहेंगे, इन पर आप काम करोगे, तो 101% आपका सिलेक्शन है, तो रिजेक्शन की तो कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। आई होप सो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे, इसके लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।